खरगोन में नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर अतिथि शिक्षक संघ ने स्वर मुखर किए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्हें नियमित करने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष सुंदरलाल मालवीय ने बताया कि पिछले 14 वर्षों से अति अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी अपेक्षा कर रही है। अल्प मानदेय में सेवाएं देने के बाद भी शिक्षा सत्र खत्म होने पर उन्हें हटा दिया जाता है, अवकाश का वेतन काट लिया जाता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना है माननीय कलेक्टर महोदय को कि हमारा अनुभव के आधार पर नियमितीकरण हो और 12 महीने सेवा काल हो, ये हमारी मांगे हैं, जो कि अन्य राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में जो नियमित किया है, इसी प्रकार से हम अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 14 साल से हम अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और बस हम नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं सरकार से। क्या मांग करी आपने? मांग हमारी यही है कि अनुभव के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए और 12 माह सेवा काल किया जाए और दिल्ली, हरियाणा, इस प्रकार से जो अन्य राज्यों में नियमित किया है अतिथि शिक्षकों, जैसे मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल मालवीय, जिलाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।